राम राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा। तो गाइज आज हम आपके लिए आए हैं अमेज जो फेसलिफ्ट है 2021 का, उसका कंपैरिजन बिटवीन वीएक्स मॉडल और एस मॉडल। तो दोनों ही हमारी बैक साइड में खड़े हैं, आज हमारे को आप कंपैरिजन बताएंगे इसके अंदर क्या क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, क्या क्या मेजर पॉइंट है जो दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं वेरिएंट के हिसाब से। तो ये वीएक्स है, ये टॉप वेरिएंट है आपका जो देख रहे हैं, और जो एस है वो बेस वेरिएंट है, एक वी वेरिएंट और आता है इसके बीच में, उसकी भी वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताएंगे आपको क्या क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो गाइज पहले हमारे सामने है अमेज वीएक्स, तो इससे शुरू करते हैं, उसके बाद बताते हैं फिर एस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं उसके अंदर नहीं आती हैं। तो ये है अमेज वीएक्स की फ्रंट प्रोफाइल। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, और इस साइड में जब आप देखेंगे सेंटर में तो यहाँ पर जो ग्रिल है वो चेंज हो गई है, जो कि सिल्वर ट्रिपल फोम के अंदर यहाँ पर ग्रिल दी गई है। सेंटर में होंडा का बैचिंग मिल जाती है आपको यहाँ इस जगह पर, सेंटर में होंडा की बैचिंग। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फोग लैंप दे दिए गए हैं जो कि प्रोजेक्टेड फोग लैंप हो गए हैं, पहले से ज़्यादा बेटर। और अगर हम साइड प्रोफाइल में आते हैं इसकी, अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलॉय हैं जो ड्यूल टोन में हो गए हैं, पहले यहाँ पर इस तरीके के अलॉय नहीं दिए गए थे, पहले सिंपल सिल्वर फिनिश के अंदर अलॉय दिए जाते थे, अब ड्यूल टोन के अंदर आते हैं। और जो इसका टायर साइज़ है वो भी 15 इंचेस का हो गया है राइट नाउ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के लिए। और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम हैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में भी आते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम देखते हैं रियर डोर की तरफ भी, रियर डोर में भी यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे सेम अलॉय। और अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में। तो गाइज ये है इसकी रियर प्रोफाइल, यहाँ पर आप देखेंगे जो रियर में चेंज हुए हैं, एक तो इसकी LED टेल लैंप यहाँ पर दी गई है जो कि पिछले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दी गई है, पिछले टाइम पे सिंपल हेड टेल लैंप आते थे, अब यहाँ पर LED से कर दिया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बम्पर में भी क्रोम गार्निश ऐड की गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि पहले नहीं दी जाती थी अमेज के अंदर, अब इसे एक प्रीमियम ब्रांड बना दिया है प्रॉपर। और ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा, और रियर विंड स्क्रीन ग्लास पर यहाँ पर आपको डिफोगर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पर भी आपको क्रोम हैंडल मिल जाता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसकी इनर साइड में चलते हुए दिखाते हैं क्या क्या चेंज हुआ है इनर साइड में। फर्स्टली इसकी डोर ट्रिम आप देखेंगे जो कि यहाँ पर बेज इंटीरियर के साथ आती है विद ब्लैक, और यहाँ पर आप देखेंगे गन मेटल फिनिश दी गई है साइडों में डोर्स पे। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं आपको VX वेरिएंट के अंदर। तो चलिए चलते हैं इसकी इनर साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका स्टेयरिंग व्हील, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस साइड देखने को मिल जाएंगे आपको। और सबसे एक जो चेंज है वो है इसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है इसका इंटीरियर, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कोई मेजर चेंज इसके अंदर नहीं किया है पुराने वाली से, बट यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिल जाता है, पहले एक ग्लोसी ब्लैक फिनिश यहाँ पर देखने को मिलती थी, बट अब उसे यहाँ पर चेंज कर सिल्वर गन मेटल फिनिश के अंदर कर दिया गया है, और वही यहाँ पर कंटिन्यू किए गए डोर के ऊपर भी इस जगह पर। और इसके अंदर आपको दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो AC में देखने को मिल जाता है, एक टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यह है इसका ओडोमीटर, कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसके ओडोमीटर का। यह इसके ओडोमीटर इस तरह का इंटरफेस है, और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो भी आजकल नीडेड हैं। ये हैजार्ड स्विच लैंप्स, और ये है इसका CVT गियर बॉक्स का गियर लीवर, और ये पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर इसका इंजन है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस जगह पर। और एक चीज़ और जो यहाँ पर चेंज की गई है, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स आ गए हैं
जिसका आप यहाँ पर देखेंगे, बस ऑटो पर डाल दो और गाड़ी अपने हिसाब से हेडलैम्प्स को एडजस्ट कर लेती है। और यहाँ पर पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर। और यहाँ पर कुछ चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं इस जगह पर। और नीचे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है कोई भी सामान रखने के लिए, कुछ इस तरह से। और ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो जो ये मिरर है, इसको क्या कहते हैं, ऑटो डिमिनिशिंग मिरर ना लगाकर यहाँ पर मैनुअली डिमिनिशिंग मिरर लगा दिया गया है, जो पहले की तरह पहले नहीं आता था यहाँ पर। और ये कुछ इसको मिरर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बिटवीन ग्लास एंड IRVM। और एक चीज़ और जो यहाँ पर पहले गाड़ी के अंदर नहीं आती थी बट अब अमेज के अंदर आने लगी है, वो है इसकी रीडिंग लैंप्स, जो कि फ्रंट में आने लगी हैं कुछ इस तरह से, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो पहले नहीं आता था। और ये है सनवाइज़र, और ये है ड्राइवर साइड सनवाइज़र विद वैनिटी मिरर, और ग्रैब हैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सेंटर में भी रीडिंग लैंप्स आती है जो पहले भी आती थी, इसको पहले की तरह अभी भी सेंटर में ही प्लेस किया गया है, रियर साइड में नहीं किया गया है। तो चलिए इसकी रियर साइड में चलते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इसकी सीट की कुशनिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी है, जो कि कुछ चेंज किया गया है इस टाइम पर, आप देखेंगे। तो चलिए रियर साइड में चलते हैं। तो गाइज ये है इसकी रियर साइड, आप देखेंगे जो रियर सीट्स हैं उन पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। और बीच में यहाँ पर आपको सेंटर में आर्म रेस्ट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं आपको। एक बार इसके अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं आपको कितना है नी रूम वगैरह। तो जो फ्रंट सीट्स हैं वो ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर नी रूम आप देखेंगे तो काफ़ी नी रूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और कोई सफोकेशन जैसी चीज़ भी यहाँ पर फील नहीं होती है। आप देखेंगे जो हेड रूम है वो भी काफ़ी ठीक यहाँ पर दे दिया गया है। आप देख रहे हैं मेरी हाइट करीब करीब 5 फीट 8 इंच है, तो फिर भी मैं इसमें नहीं अड़ रहा हूँ, तो करीब करीब मेरे को लगता है 6 फीट का बंदा भी नहीं अड़ेगा यहाँ पर। और ये कुछ इंटीरियर का व्यू रियर सीट से। तो चलिए चलते हैं अब इसके एस वेरिएंट में और दिखाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ये कंपैरिजन था। तो गाइज ये है इसका एस वेरिएंट, वो उसका VX वेरिएंट है, और जो इसका V वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब मैं बताता हूँ एस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ नहीं आती है मेजर, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको। रियर में जो क्रोम गार्निश ग्रिल है वो उसके VX के अंदर भी आती है और S के अंदर भी आती है, बट यहाँ पर जो मेजर चेंज है आउटर में वो है इसके प्रोजेक्टेड LED हेडलैम्प्स यहाँ पर हैलोजन दिए गए हैं, और नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स इसके अंदर नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर मैं साइड में आऊँ तो यहाँ पर आपको ORVM पर इंडिकेटर इस वेरिएंट के अंदर भी मिलता है और उस वाले वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर जो चेंज है वो है यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल नहीं आते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट सेंसर इसके ऊपर नहीं आता है डोर पे ओपन करने के लिए। और जो एक और चेंज है बड़ा, वो है यहाँ पर अलॉय व्हील। एस वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेंगे, VX के अंदर अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। सेम पीछे भी बम्पर जो है क्रोम गार्निश के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफोगर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाती हैं जिसकी, बट यहाँ पर आपको हेड लैंप्स LED देखने को नहीं मिलेंगी। अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मेजर चेंज है इसके इंटीरियर में। तो फर्स्टली शुरू करेंगे इसकी डोर ट्रिम से, जैसे कि उसकी डोर ट्रिम देखी थी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल ORVM आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को नहीं मिलता है, पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को नहीं मिलता है जैसा कि उसके अंदर मिल जाता है। ये इसका S मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है, वो CVT वेरिएंट था VX का। और जो ड्राइवर सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल इस वेरिएंट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो अच्छी चीज़ है, आप सभी वेरिएंट में कॉमन दे रहे हैं। इसके अलावा आप इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको सेम उसी की तरह स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले आता है। इसके अलावा इसमें ऑटो AC भी नहीं आता है। ये मेजर चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। IRVM सेम है VX वेरिएंट की तरह ही।
इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आरपीएम मीटर भी आपको देखने को मिल जाता है सेम उसी वेरिएंट की तरह। ऐसा नहीं है किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग की गई है आरपीएम मीटर के अंदर, कि आरपीएम मीटर नहीं दिया गया। सेम आप देखेंगे यहाँ पर पैडल शिफ्टर नहीं देखने को मिलते। दूसरा, आपको यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिलते हैं जो VX वेरिएंट के अंदर आते हैं, इस वेरिएंट के अंदर नहीं आते हैं। और ग्लव बॉक्स सेम स्पेस दिया गया है उसी वेरिएंट की तरह। और एक चीज़ और जो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, वो यहाँ पर रीडिंग लैंप्स नहीं दिए जाते फ्रंट में, रियर में रीडिंग लैंप दिए जाते हैं। उस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में भी रीडिंग लैंप्स दिए जाते हैं VX वेरिएंट के अंदर, सेम ग्रैब हैंडल। और रियर की मैं बात करूँ तो उसी वेरिएंट की तरह यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से, और रियर सीट कंफर्ट भी सेम उसी की तरह है। और दो एयरबैग और जो भी ABS EBD जो भी स्टैंडर्ड फीचर है वो सभी इसके अंदर आते हैं। जो मेजर पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए कि S और VX के अंदर क्या क्या फ़र्क है। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो गाइस ये है इसका 1.2 IVTEC इंजन, पेट्रोल इंजन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे ABS देखने को मिल जाता है। एक होंडा ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की है, वो ऐसी कॉस्ट कटिंग है जिसका काफ़ी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। वो आप देखेंगे जो इनर साइड है इसके बोनेट की, वो पेंट नहीं है, कलरफुल नहीं है, बट इस पर प्राइमर वगैरह सभी चीज़ें कर दी गई हैं जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और ना ही कोई रस्ट वगैरह की इस पर दिक्कत होने वाली है। तो ये है कुछ इस तरह का इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जो इसकी डिग्गी में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, जो लास्ट टाइम पे नहीं थी बट इस टाइम पे चेंज किया गया है बूट डिग्गी के अंदर। तो ये है अमेज की बूट डिग्गी, जिसके अंदर आप देखेंगे ऊपर की तरफ फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा गया है। लास्ट टाइम जो अमेज आती थी 2021 से पहले, उसके अंदर ये फिट एंड फिनिश नहीं आता था, जिससे ओपन अमेज काफ़ी अजीब लगती थी। और ये बूट स्पेस है जो कि काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये इसका स्पेयर व्हील जो कि अलॉय ना होकर रिम है, ये VX वेरिएंट है। तो गाइज ये थे कुछ मेजर चेंज VX और S वेरिएंट के अंदर जो हमने आपको बताए। इसके अंदर आप देखेंगे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती हैं बट बेस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो को देख के कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो गाइज ये है इसकी की, ये है अमेज की आप देखें कुछ इस तरीके से। VX की है ये, जिसके अंदर लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनर बूट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी की कुछ इस तरह से। तो गाइज ये था कंपैरिजन बिटवीन अमेज VX और अमेज S। ये इसका CVT वेरिएंट था बट जो फंक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस ट्रांसमिशन का फ़र्क था। तो हमने इसके बताया आपको क्या क्या फीचर का फ़र्क आता है जिससे प्राइस में फ़र्क आता है S वेरिएंट और VX वेरिएंट में। तो आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे भी आपके लिए ऐसी ही कंपैरिजन की वीडियो लाते रहेंगे। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राम राम।